एक ऐसी मूवी जिसका नाम सुनते ही गूसबम्प आ जाते हैं और इस मास्टरपीस मूवी को दोबारा देखने का मन करने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं RRR मूवी के बिहाइंड द सीन्स, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माई सिनेमा चैनल। तो अगर आप भी बिहाइंड द सीन देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा कि RRR मूवी की शूटिंग कैसे हुई, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी स्टार्ट होती है आदिलाबाद के जंगलों में, जहां स्कॉट हिरणों का शिकार करके लाता है और एक आदिवासी बच्ची को बंदी बना के ले जाता है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह बिहाइंड द सीन उसी जंगल का है जहां स्कॉट और हिरणों को दिखाया जाता है। इस सीन की शूटिंग आंध्र प्रदेश के आरकू वैली हिल स्टेशन पर की गई थी। इन हिरणों को CGI की हेल्प से 3D में क्रिएट किया गया था। आप रामचरण की ब्लॉकबस्टर एंट्री को कैसे भूल सकते हो? ऐसा लगता है जैसे रियल फाइट देख रहे हो। इस सीन की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी। यहाँ पे एक सेट तैयार किया गया था। सीन को CGI का यूज करके कंप्लीट किया गया था। अब बात करते हैं JRNTR के एंट्री सीन की। यह सीन JRNTR की एंट्री वाला सीन है। वैसे सच बताना, आपको क्या लगा कि यह असली का जंगल है? कमेंट करके बताना किस किस को रियल जंगल लगा। सच में आप शॉक हो जाओगे कि इस सीन को शूट करने के लिए JRNTR को कई मिनट तक एक जगह बैठा रहना पड़ा, क्योंकि पानी में मिरर वाले सीन को शूट करना था। वैसे मूवी देखने पे यही लगता है कि रियल लोकेशन पे ही शूट किया गया होगा, पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे पानी का एक सेट लगाकर पीछे ब्लू बैकग्राउंड का यूज किया गया है। आपको बता दें कि ब्लू बैकग्राउंड का यूज बैकग्राउंड को रिप्लेस करने में किया जाता है। इस सीन के जस्ट बाद आपको JRNTR का टाइगर चेसिंग सीन देखने को मिलेगा, जहां JRNTR और उसके साथी एक CR को पकड़ने आते हैं, पर JRNTR को टाइगर भी दिख जाता है। आप स्क्रीन पे इस सीन के बिहाइंड द सीन को देख सकते हैं कि कैसे JRNTR का टाइगर चेसिंग सीन शूट किया जा रहा है। टाइगर का CGI में 3D मॉडल तैयार करके सीन को कंप्लीट किया गया। आप देख सकते हैं कि टाइगर की जगह कैसे इंसान को ग्रीन कपड़े पहना के सीन को शूट किया जा रहा है। अब बात करते हैं रेल एक्सीडेंट वाले बिहाइंड द सीन की। तो आपको बता दें कि रेलगाड़ी के 24 कंटेनर्स को USA की एक वर्कशॉप में बनाया गया था। एक्सीडेंट वाले सीक्वेंस में अचानक से पेट्रोल का रिसाव होने से एक रेलगाड़ी के एक डब्बे में आग लग जाती है। यह वाला सीन भी एक CGI सीन था, पर जैसे ही रेलगाड़ी का वह डिब्बा नीचे गिरता है, उस सीन को रियल में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था। फिर रेलगाड़ी के उस डिब्बे को पानी में गिरते हुए और बच्चे के नाव से गिरने वाले सीन को अलग से शूट किया गया था। इसके बाद वह सीन तो याद ही होगा जहां राम और भीम पहली बार मिलते हैं, पर असल में वो सीन भी बिल्कुल भी रियल नहीं था। उस सीन को बनाने के लिए कुछ सीन को रियल में शूट किया गया था, बाकी ब्रिज और नदी को CGI की हेल्प से क्रिएट किया गया था। मूवी में नदी के किनारे एक गांव दिखाया गया है, यहीं पे ट्रेन वाला एक्सीडेंट होता है। यह सीन आंध्र प्रदेश के राजमंद्री सिटी के ब्रिज से इंस्पायर है। इस बिहाइंड द सीन में आप रामचरण को लक्षू के पीछे भागते हुए देख सकते हैं। यह सीन उसी पुल का है जिसे अलग से शूट किया गया था और जिसे बाद में CGI वाले पुल के साथ जोड़ दिया गया था। यह उस समय का बिहाइंड द सीन है जब ट्रेन वाला एक्सीडेंट हो जाता है और राम और भीम एक दूसरे से दूर से ही बातें करते हैं। इस वाले BTS में रामचरण को घोड़े से और JRNTR को बाइक से कूदते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि इस वाले BTS में किसी भी घोड़े का यूज नहीं लिया गया है, बल्कि CGI की हेल्प से घोड़े को बनाया गया है। पर कुछ ऐसे सीन भी हैं जहां असली घोड़े का भी यूज किया गया है। दोनों को पुल से नीचे कूदने वाले सीन को अलग से ही शूट किया गया था। इस वाले BTS में राम और भीम को पानी के अंदर भागते हुए दिखाया गया है। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और यह बिहाइंड द सीन उसी समय का है जब दोनों एक साथ घूमते हैं। यह बिहाइंड द सीन उस समय का है जब रामचरण लक्षू को पकड़ लेता है, जहां लक्षू सांप को हाथ से पकड़कर राम को सांप से कटवा देता है। इस वाले सीन में सांप को CGI की हेल्प से क्रिएट किया गया था। RRR मूवी का इंटरवल सीन अपने आप में ही एक मास्टरपीस सीन है, जिसे 65 दिनों तक रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था। इस वाले बिहाइंड द सीन में आप ब्रिटिश के किले को देख सकते हैं, जिसे ब्लू बैकग्राउंड लगाकर शूट किया गया था। इंटरवल वाले सीन में JRNTR की एंट्री तो याद ही होगी, वो ट्रक
जिसमें JR NTR सारे जानवरों को पकड़ के लेके आता है। यह शूटिंग उसी सीन की है जब वो ट्रक किले के अंदर एंट्री लेता है। ट्रक को एक ट्रैक पे चला के सीन को शूट किया गया था। बाद में CGI की हेल्प से एक ट्रक क्रिएट किया गया जिसके चार पहिए लगाए गए और VFX की हेल्प से ट्रैक को हटा दिया गया था। ट्रक के एंटर होते ही एक कार ट्रक से टकरा जाती है। यह उसी सीन का VFX है जहां कार को भी CGI की हेल्प से क्रिएट किया गया था। यह BTS तब का है जब JR NTR का एक साथी ट्रक के ऊपर से त्रिपाल हटाता है। इस त्रिपाल को भी 3D में ही क्रिएट किया गया था। आप इस वाले सीन का बिहाइंड द सीन देख के चौंक जाओगे कि JR NTR ने कैसे तेंदुए को अपने हाथों से फेंका था। सीन को शूट करते टाइम JR NTR को एक फुटबॉल पकड़ा दी जिसे बाद में तेंदुए में बदल दिया गया। और इस वाले सीन में JR NTR ने नीचे झुककर टाइगर को पागल बना दिया था। वाह क्या सीन है। अब बात करते हैं राम और भीम के इंटरमिशन फाइटिंग सीन की, जिसमें अधिकतर सीन्स को ब्लू बैकग्राउंड पे ही शूट किया गया था। बाद में सीन्स में आग पानी के एलिमेंट्स ऐड करके सीन को कंप्लीट किया गया। कहीं कहीं पे CGI का यूज किया गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे CGI की हेल्प से बिल्डिंग को क्रिएट किया गया है। यह BTS तब का है जब राम ने भीम को रस्सी से पकड़ लिया था। अब बात करते हैं एक और गूसबंप वाले सीन की, जहां JR NTR को पूरी प्रजा के सामने कोड़े मारे जाते हैं। यह BTS उसी सीन का है। इसे भी रामोजी फिल्म सिटी में ही शूट किया गया था। इस सीन में भी CGI बिल्डिंग का यूज किया गया है। इसके बाद कोमोरम भीमुड़ो गाने को भी यही शूट किया गया था। इसके बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें पेड़ के पत्ते तक को CGI की हेल्प से क्रिएट किया गया था। यह बिहाइंड द सीन गवर्नर स्कॉट का है जब रामचरण पेड़ को गाड़ी पे गिरा देता है। इस सीन में CGI वाले पेड़ का यूज किया गया है। और जब पेड़ गाड़ी के ऊपर गिर जाता है तो गाड़ी को टूटते हुए दिखाने के लिए भी CGI वाली कार का यूज किया गया है। यह वाला BTS रामचरण और JR NTR की फाइटिंग का है, जिसमें लकड़ी को CGI से बनाया गया था। अब बात करते हैं मूवी के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग कैसे हुई। मूवी का क्लाइमैक्स तो इंटरवल वाले सीन से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। इतने शानदार विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी मार्वल की मूवीज में भी देखने को नहीं मिलते। क्लाइमैक्स वाले सीन को रामोजी फिल्म सिटी में ही शूट किया गया था। इस वाले BTS में रामचरण और JR NTR के जेल वाले सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे भीम ने राम को कंधे पे बैठाया है। पीछे से दो आदमियों ने ब्लू कलर के कपड़े पहनकर रामचरण को रस्सियों से पकड़ रखा है। साथ ही साथ जब दोनों एक टावर पे चढ़ते हैं तो यह सीन उसी सीन का बिहाइंड द सीन है। इस वाले सीक्वेंस के बाद भीम राम को छुड़ाकर जंगल ले आता है। यहां से स्टार्ट होता है फिल्म का मेन क्लाइमैक्स सीक्वेंस। क्लाइमैक्स वाले सीन में राम की एंट्री तो याद ही होगी। यह बिहाइंड द सीन उसी टाइम का है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे SS राजामौली सीन को खुद करके बता रहे हैं। यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड का यूज किया गया है, जिसे बाद में VFX की हेल्प से रिमूव करके जंगल में कन्वर्ट कर दिया गया था। राम की इस एंट्री पे थिएटर में कौन कौन चिल्लाया और किस किस ने सीटियां बजाई, कॉमेंट करके हमें जरूर बताना। एक सीन था जहां राम ने आदमी को तीर मारी और फिर पेड़ पे एक पैर रख के हवा में तीर को चलाया। यह बिहाइंड द सीन उसी वाले सीन का ही है। यह वाला BTS तब का है जब दोनों एक साथ आते हैं। यह भी एपिक सीन था। इसमें आग और पेड़ों को CGI और VFX के हेल्प से क्रिएट किया गया था। भीम का बुलेट उठाने वाला सीन तो सबको याद ही होगा, जब भीम ने बुलेट को उठा के चारों तरफ घुमा घुमा के गुंडों की रेल बना दी थी। यह वाला BTS उसी सीन का है। सीन को शूट करते टाइम एक आदमी ने ब्लू कपड़े पहन रखे हैं और मोटरसाइकिल के फ्रेम को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। बाद में CGI की हेल्प से एक बुलेट बाइक को रिप्लेस कर दिया गया। मूवी में सब कुछ असली ही लग रहा था। इसके बाद वाले सीन में भीम बुलेट को अपने एक हाथ से रोकता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह सीन उसी सीन का BTS है, जिसमें JR NTR के बुलेट पे बैठने वाले सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है। बात करें स्कॉट के डेथ वाले सीन की, तो इस वाले BTS में स्कॉट और उसकी वाइफ कैथरीन बक्सटन को मरते हुए दिखाया गया है। उसके बाद भीम राम को एक बंदूक पकड़ाता है, जिसका बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यह मूवी के लास्ट सीन की शूटिंग का बिहाइंड द सीन है, जिसमें राम को सीता और चाचा के साथ घर जाते हुए दिखाया गया है।
तो अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि एसएस राजामौली कैसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देते हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म के पीछे राजामौली सर और उनकी टीम का डेडिकेशन साफ दिखाई देता है। साथ ही साथ रामचरण और JR NTR की परफॉर्मेंस मूवी को एक मास्टरपीस मूवी बना देती है। इस फिल्म की शूटिंग में तकरीबन 300 दिन लगे, जिसमें सबसे लंबा सीक्वेंस रामचरण वाली एंट्री का था। तो अगर आपको ऐसे ही बिहाइंड द सीन देखना पसंद है तो माई सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।